हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2020 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो इसको डिटेल में समझेंगे। आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में पहुँचाते रहिए। तो चलिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने लिखे हैं जो 2020 के प्रश्न पेपर में आए थे थर्ड सेमेस्टर में। चलिए इनको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 125 बटा 64 के घन रूप का आधार क्या होगा। घन मतलब आपको मालूम है घात तीन। 125 को 5 की घात 3 कह सकते हैं क्योंकि 5 × 5 × 5 125 होता है, और 64 को 4 की घात 3 कह सकते हैं क्योंकि 4 × 4 × 4 4 × 16 = 64 होता है। क्या हम इन दोनों पर घात बराबर है तो हम इसको ऐसे इकट्ठे घात में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी घात 3 है, इस पर भी घात 3 है, तो इकट्ठे लिख करके पावर लगा देंगे। अब देखिए, इसका ये जो संख्या होती है नीचे, इसको आधार संख्या कहते हैं। ठीक, ये जो 5/4 है ये आधार है, और ये जो आपका 3 दिख रहा है ये घात है ना। तो आपसे पूछा क्या था, इसके घन रूप का आधार क्या है, तो 5/4 यानी बी पार्ट। आप देख रहे हैं 5/4 पर घात 3 आया है, इसका मतलब 5/4 आधार है और 3 घात है। आपसे पूछा था इसका घन रूप, तो पहले घन में लिखा घात 3 में, घन का मतलब घात 3 के रूप में, उसके बाद उसका आधार बता दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, अगर कोई सपोज एक सर्कल है और इसके किसी भी एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा जा सकती है। ठीक है, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। डी पार्ट में बोला गया है, एक आंसर होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डी ऑप्शन में। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखिएगा, एटीएम का फुल फॉर्म। एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए, ये घन है, घनाकार बक्सा है, मतलब वो घन है यानी क्यूब है, और उसकी भुजा दी गई है, तो घन की भुजा बताई गई है 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यही बोला गया, तो इसको हम या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर बदले में 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और प्लस 30 और ये सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कुल मिला के 130 सेंटीमीटर कहा जा सकता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर थे ही, सब मिला के 130 सेंटीमीटर भुजा बन गई। घन की भुजा ये, आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। अब आप बताइए 6 × भुजा, भुजा कितना है 130, तो यहां रखेंगे 130, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। भाई सूत्र में भुजा की जगह 130 रखा, उस पर वर्ग था, वर्ग कर दिया। 6 × 130 का करेंगे तो वर्ग 130 × 130 होगा। अब बताइए ये 6 × 13 × 13 169 होता है, और 1 0 1 0 मिलके 2 0 हो गया। अब इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 6 × 0 0, 6 × 9 = 54, 5 × 6 = 36, 36 × 5 = 41 का एक हासिल लगा, 4 × 6 = 10। आप देख रहे हैं 101400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि 101400 ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए घात 3 में एक एक्सप्रेशन दिया है, बीजी व्यंजक दिया गया है, और उसका बोला गया है गुणनखंड करिए। तो देखिए, क्योंकि घात 3 में, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें बस चेक करने की जरूरत है, आपको इसका गुणनखंड करने की जरूरत नहीं कि आप इसको गुणनखंड करने लगे। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, आपको केवल इन 4 ऑप्शंस में से आंसर बताना है। तो आप क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करके देख लेंगे, जिसका गुणनफल यही आ जाएगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए, अगर हम पहला चेक करें, x प्लस 5 का गुणा करके ये x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्योंकि पहली बात देखिए, सारे टर्म्स प्लस में है, तो कोई भी माइनस वाला तो आंसर नहीं होगा, मतलब डी नहीं हो सकता। ये देखिए, यहां माइनस है, ये नहीं हो सकता, तो हमें केवल ए और बी को गुणा करके चेक करना, क्योंकि सारे प्लस में। तो आप चरा गुणा करिए, x से करेंगे तो ये x से दोनों का गुणा होगा, एक्स क्यूब बाई एक्स में आपको मालूम है दोनों से गुणा होता है, एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस x से 2 का 2x हो जाएगा। फिर ये 5 से भी होगा, तो प्लस का 5x
पांच एक्स स्क्वायर और प्लस 5 × 10। अब आप देख रहे हैं यहां से एक्स की घात 3 और एक्स स्क्वायर वाला केवल एक ही, अगर क्रम से लिखे सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर संख्या, ये तरीका होता। तो देखिए यहां पर क्या है, एक्स की घात 3 प्लस यहां पर 2x² है, जबकि यहां क्या आ गया, 5x², इसका मतलब ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो अब इसका मतलब बी पार्ट ही राइट आंसर होगा, आप इसको चेक करके भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए बी वाले को हम गुणा करके देख लेते हैं। बी वाले में दिया गया x² प्लस 5 और इसको गुणनखंड रूप में x प्लस 2 से गुणा करना है। अगर हम इनको गुणा करें और गुणा करने पर यही मिल जाए तो इसका मतलब कि इसका गुणनखंड ये होगा। अब चलिए करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर का पहले इन दोनों से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इससे होगा, एक्स की घात 3 हो जाएगा क्योंकि 2 बार और 1 बार 3 बार, फिर इसी एक्स स्क्वायर का इससे भी करेंगे तो प्लस का 2x². अब देखिए इसमें 2x² था, यहाँ आ गया। अब 5 का प्लस 5 का एक्स से करेंगे तो 5x हो जाएगा और प्लस प्लस इसका 5 × 10 हो जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल वही रूप आपके सामने दिख रहा है जो आपका प्रश्न में था, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर। केवल इसमें इतना ही करना था, इसको गुणनखंड करना थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया होती है, वैसे बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको मैं आगे किसी वीडियो में घात 3 वाले पदों का गुणनखंड करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कर लेते हैं। अब आप लोगों के सामने अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियोस को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है लॉग 625 जिसका बेस 5 है यानी आधार 5 है बराबर 4, इसको घातांकी रूप में लिखिए। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अगर घातांकी रूप में हो तो उसको लॉग रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि a की पावर x बराबर y, इस ये घात के रूप में संख्या है, इसको लॉग में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, लॉग ऐसे लगाते हैं, ये जो a पर पावर x है यानी किसी भी संख्या पर पावर x है, ये संख्या यहीं की यहीं रहती है, जो वाई दूसरे साइड में ये सामने आ जाता है लॉग के, और एक्स जो ये पावर वाली संख्या वो वाई यानी इस तरफ पहुँच जाती है, बस ये लॉग रूप है। अब अगर कभी लॉग में ऐसे मिले तो इसी को इस उल्टा कर देंगे। जैसे यहां देखिए ये 5 है, इसको ऐसे ही लिया जाएगा, ये 4 जो इस तरफ इस पर घात में आ जाएगा, इस 4 को इधर 5 पर घात में ले लेंगे और बराबर 625 यहां पहुंच जाएगा। बस इतना सा काम होता है, बस और कुछ नहीं, ये घातांकी रूप हो गया, यानी इसका जो घातीय रूप है ये आपके सामने आ चुका है। आपसे घातीय रूप बोला गया था, आप इसको कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि अब मान लेते हैं 7/2 = 49, ये घात रूप में है, आपसे कहा जा होता है ना 7² 49, इसको लॉग रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, लॉग ऐसे लिखेंगे, 7 ये 7 का 7 यहीं रहने देंगे, 49 को सामने ले आएंगे इस तरफ और 2 को वहां पहुंचा देंगे बराबर में इस तरफ, बस ये लॉग रूप में हो गया। तो लॉग रूप में घात रूप में कभी भी ऐसे आए तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है तो आप लोग लघुगुणक चैप्टर को चैप्टर वाइज सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समुच्चय ए। देखिए इसमें 2 समुच्चय है, ए बराबर कहा गया है आपसे। यहां पर देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि एक समुच्चय ए बराबर क्या है, एक्स ऐसा है कि एक्स लेस देन 5 और इक्वल टू 5, मतलब लेस और इक्वल टू 5। देखिए इन चीजों को पहले तो आप समझिए, कभी भी ऐसी चीजें हो, इस रूप को, स्वरूप को समुच्चय में क्या कहा जाता है, गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि। देखिए जैसे कि मैं अगर कोई चीजें लिखता हूं, जैसे सम संख्या लिखता हूं 2, 4, 6, 8, है ना, इसको इस रूप में लिखा है, ये एक समुच्चय, तो इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को मैं इसी के गुण के आधार पर लिख दूं, यानी इसकी क्वालिटी क्या है कि ये जितने भी समुच्चय हैं ये सम संख्या है और प्रथम 4 सम संख्या है, साफ बात है ना कि पहली 4 सम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो अगर इसके गुण को हम लैंग्वेज में लिख दें, वो कैसे लिखा जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी है समुच्चय में वो कुछ एक्स होगा, हम मान लेते हो कि वो कुछ एक्स होगा। क्या है, हमें उससे पहले ये समझना है कि मान लेंगे इसको अपनी तरफ से कि ये सब एक्स है। अब ये एक्स है क्या, ये एक्स ऐसा है कि, ये दो बिंदु क्या होता है, ऐसा है पढ़ा जाता है, एक्स ऐसा है कि एक्स प्रथम 4 सम संख्याएं, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रथम 4 सम संख्याएं, इवन नंबर। अगर हमने इसके क्वालिटी प्रॉपर्टी को लिख दिया कि ये प्रथम 4 सम संख्या लैंग्वेज में, तो ये जो रूप है यही रूप आपको देखने को मिलता है गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि, इसको कहते हैं। बात वही है जो ऊपर लिखी लेकिन इस रूप में लिखा गया। तो ये तरीके मैंने आपको समझाए हैं, सिखाए हैं, इनको आप ढंग से वहां देख सकते हैं।
अब आपको यह समझना है कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं x ग्रेटर देन 5 लिखा, इसका मतलब 5 से बड़ी संख्या है, तो 5 से बड़ी मतलब 6 से लेकर आगे अनंत संख्या है। अगर ऐसा लिखा हो इस तरीके से x इज लेस देन 5, मतलब 5 से छोटी संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4 ये हो सकता है, ठीक है। और यहां बाद में बता दिया जाए कि x प्राकृतिक संख्या है, तो हम ये संख्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है। अब अगर कहीं पर ये लिखा जाए कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब वो x 5 से छोटा भी है, और ये लाइन जो नीचे बनी इसका मतलब 5 को भी शामिल करना। देखिए इस स्टेटमेंट से समझ आता है कि x 5 से छोटा है, केवल इतना, लेकिन ये एक लाइन आने की वजह से नीचे 5 को भी शामिल कर लिया जाएगा। देखिए इसमें 4 तक ही था, यहां आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये बराबर पढ़ा जाता है। अगर कभी ऐसे छोटा बड़ा के साथ नीचे लाइन आ जाए तो मतलब इस संख्या को भी शामिल कर लिया जाता है उस समूह में, ठीक है। तो बस इतनी सी बात होती है। अब इसी प्रकार से आप देखिए यहां पर बोला गया है x ऐसा है कि x लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 तक की संख्या लेनी है ना, इसका मतलब x जो भी संख्या इस ब्रैकेट में आएगी वो 5 से छोटी होगी और 5 के बराबर भी होगी, इसका मतलब। और साथ साथ में बताया गया जहां पर ये जो x है यानी जो संख्या है वो विषम है, तो अब हमको ये मालूम चल गया कि एक शुरू करके 1 से 5 तक की विषम संख्या है, 1, 3, 5 बस, और तो कोई होगा नहीं। अब देखिए ये विषम भी है, 5 से छोटी भी है और 5 के बराबर भी, सभी विषम संख्या आ गई ना। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है कि x ऐसा है कि x 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है, मतलब 5 तक की संख्या लेनी है और वो विषम होनी चाहिए, इसका मतलब ये संख्या आ गई। तो आपने a को इस रूप में लिख दिया, और b देखिए b आपको दिया ही गया था 2, 3, 5, 1। अब आप आराम से इन प्रश्नों को कर लेंगे। आपको ए इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय बताना है, तो इसमें जो कॉमन हो, तो देखिए 3 यहां भी 3 यहां भी 5 यहां भी 5 यहां भी, यही कॉमन है, इसका मतलब 3, 5 और 1 भी कॉमन है। देखिए तो इसका मतलब 1, 3 और 5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो कॉमन होता है इंटरसेक्शन में वही लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहां पर समुच्चय पूछा गया होता संघ समुच्चय ए यूनियन बी, तो सब के सब ले लिया जाते, मतलब 1 भी लिया जाता 2 भी लिया जाता 3 भी, बस एक ही बार रिपीट नहीं करते, 2 बार यहां और यहां भी है तो उसको 2 बार नहीं लेना, लेना एक ही बार है। ए यूनियन बी यानी संघ समुच्चय अगर पूछा जाता तो सबको लेते 1, 2, 3 और 5, ठीक, तब यह आंसर हो जाता, ठीक। तो ये सब चीजें बेसिक सी बातें हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर में पढ़ाया है। आप लोग जिनको भी इन सब चैप्टर में प्रॉब्लम हो वो लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज सीरीज में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर पढ़ें इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक। एक कारखाने में मान लेते हैं कुल 200 व्यक्ति हैं, ठीक बात है। और उसमें बोला गया है कि यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम पर ना आए, मान लो किसी दिन 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो काम पे नहीं आ रहे हैं, ठीक, तो कितने काम पे आए होंगे, 175 काम पे आए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुल 200 हैं, 25 व्यक्ति काम पे नहीं आए तो इसका मतलब 175 काम पे आए हैं। तो बोला गया है कि तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, तो काम करने वाले पहले, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा लैंग्वेज में जो चीज पहले आई है, जैसे तो बोला गया तो काम करने वाले, यानी ये पहले बोला गया, तो काम करने वाले कौन से हैं, 175, और इसका अनुपात यानी बटे में काम ना करने वाले वो 25, बस ये बात ध्यान रखेंगे। यहां पर जो चीज पहले लिखी गई है उसको ऊपर लेंगे, जो बाद में लिखा गया उसको बटे में नीचे लेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। अब आप आराम से इसको काट सकते हैं, 5×5 25, और यहां पर काटिए तो 5×3 15 और 5×5 25, फिर 5×1 5, 5×7 35, यानी 7/1 यानी 7:1 हम कह सकते हैं, ठीक। ये अनुपात है काम करने और काम ना करने वालों में, ठीक है। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। x²+7x+14 में x+3 से भाग देकर भागफल और शेषफल बताना है, तो किससे भाग देना है, x+3 से, और किस में, x²+7x+14 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाग में मैंने आपको बताया सबसे पहला टारगेट होता है इस x के हिसाब से इस पहले x² को हटाना, कैसे हटेगा, जब इसके नीचे यही चीज आ जाए तो माइनस करेंगे हट जाएगा, तो x से x² कैसे आएगा, x बार ले जाना पड़ेगा, x को x बार ले जाएंगे तो x² आ जाएगा। और अब उसी समय इस 3 से भी इसको करना पड़ता है गुणा, तो 3x हो जाएगा, वो इसके नीचे यहां आ जाएगा, प्लस ये भी, प्लस ये भी, तो प्लस का ही।
अब जैसे ये चीज हो जाती है, तुरंत ही अगली स्टेप ये होती है कि आप इनके नीचे वाली संख्याओं के चिन्हों को बदल दीजिए। तो यहां पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, और ये प्लस है तो इसके नीचे भी माइनस, मतलब अब ये प्लस का 3x नहीं रहा, माइनस का 3x माना जाएगा। ये आपको हर बार प्रक्रिया में करना है, और डिवाइड वाला बहुत ही ढंग से डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग चैप्टर, जिनको भी प्रॉब्लम हो वो चैप्टर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, एक कट जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, 7x में से 3x गया, 4x बचा, और आगे ये बचा 14, इसको उतार लीजिए। अब फिर हमारा टारगेट होगा इसको एलिमिनेट करना, एक्स वाले को। अब ये कैसे हटेगा, एलिमिनेट करना मतलब गायब करना, कैसे गायब करेंगे 4x को, यहाँ x है, चार बार ले जाएंगे तो प्लस का 4, अब देखिए चार बार ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा भाई, 4 और x का गुणा 4x, और इस 3 से भी इस 4 को गुणा करेंगे तो 4 3 12, ये भी प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में, सब प्लस ही रहेगा। अब जैसे ये गुणा हो जाता है, तुरंत हमारा काम क्या होता है, इनके चिन्हों को, नीचे वाली संख्याओं के चिन्हों को बदलना, 4x प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये तो कट गया, 14 प्लस का 12 माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस तो बचा 2। आप देख रहे हैं जो बचता है अंत में यही शेषफल होता है। अब आगे भाग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ x में है, यहाँ संख्या बची है, अब ये भाग नहीं होगा, इसका मतलब शेषफल तो यही है जो 2 आया है, और यहाँ जो आया आता है इसकी को कहा जाता है भागफल। इसका मतलब आप बस आगे ऐसे लिख देंगे कि भाई भागफल आपको बताना ही था, तो भागफल बराबर एक्स प्लस 4 है ना, और शेषफल बराबर 2, तो ऐसे नोट करके आप बता देंगे कि शेषफल बराबर 2। इसी प्रकार से आपको आंसर लिख देना और ये आपका प्रश्न लग गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर को करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। देखिये यहां पर मिश्रधन बताना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए यहां पर मूलधन, यानी जिसको मूलधन को पी से लिखते हैं, और आपको यानी प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, मूलधन दिया गया 5000 रुपए, ठीक है, और क्या बोला गया, दर भी दिया गया है जिसको हम आर से लिखते हैं, वो 10% वार्षिक दिया गया है, ठीक है, समय 3 वर्ष, और इसमें समय एन से लिखते हैं चक्रवृद्धि वाले केस में, समय 3 वर्ष, और इसके बाद आपको मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, मिश्रधन जिसको हम अमाउंट कहते हैं ए से लिखते हैं, ये बताना है। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर पी 1 + r/100 n, ये सूत्र होता है, ठीक, इसी में केवल मान रखना, यही ए बताना था, तो पी की जगह आपको केवल बस 5000 रख देना है, और यहाँ 1 + r की जगह 10% है और बटे में 100 है, और देखिए यहाँ समय 3 वर्ष है तो 3 रख देंगे। सारे मान यहाँ पर दिए गए थे, सारे मान हमने इस सूत्रों में हर जगह पर रख दिया जहाँ जिसकी जरूरत थी। अब देखिए इस 5000 को ऐसे ही रखेंगे गुणे में, यहाँ देखिए एक एक जीरो कट गया, 10 × 10 = 11, 11/10, इसमें क्या करते हैं, इस 10 को इससे गुणा करते, 10 × 10 और प्लस 1 यानी 11, 11/10, और बाहर घात 3 है। ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं, 5000 गुणे इसको क्या लिखेंगे अब, 3 घात 3 का मतलब कि हम 3 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे में, घात 3 का मतलब जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी बार गुणे में लिखा जा सकता है, 1 0 2 0 3 0, यहां से देखिए 3 0 कट गए। अब आप देख रहे हैं ए बराबर ये 11 × 11 × 11 करेंगे तो 11 × 11 = 121, और ये 3 बार घन करने पर 11 को 3 बार गुणा करने पर 13 = 31 आता है, 13 = 31, और इधर 5, इसको जरा गुणा करिए कितना होगा, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 = 116, और 5 × 5 = 6, 6655 मिश्रधन आ गया, और यही पूछा गया था मिश्रधन क्या होगा, 6655 रुपये मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी लग गया, मुझे आशा है आप इसको भी ढंग से समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, और अपना सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर बोला गया है 2.5 अनुपात लेना है x से, और फिर समानुपात का चिन्ह है, इधर 1.25 है और अनुपात लेना है 2.5 से, ठीक, इसमें x निकालना मैंने आपको बताया है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो बाहर बाहर पदों के बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या सामान्य तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि ये जो संख्या है इसको अनुपात को इधर, और समानुपात जो 4 बिंदु हैं इसकी जगह बराबर लगाइए, और ये 1.25 ये ऊपर और ये 2.5 नीचे, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई करना होता है आगे, ठीक है। आप चाहें तो आप क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2.5 है ही है, ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा 2.5 का, और ये x उधर चला जाएगा तो x का गुणा इसके साथ हो जाएगा।
अब हमें x निकालना है तो इसको हमें इधर ही लाना पड़ेगा। तो इसको आप अगर गुणा करेंगे तो देखिए ये चीज आप गुणा करेंगे तो 25 गुणे 25 होता है 625, ठीक है। और एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे यहाँ, तो कुल मिला के दो अंक पे दशमलव हो जाएगा। और ये वाली संख्या अब इसके नीचे यहाँ आ जाएगी बराबर x। अब देखिए दो अंक पे ये भी दशमलव, दो अंक पे ये भी दशमलव, जब समान स्थान पे दशमलव हो तो दशमलव हट जाता है। इसका मतलब ऊपर 625 नीचे 125 बराबर x, 125 से 625 पांच बार में कट जाएगा। आप आराम से भी पांच पांच के एक एक स्टेप वाइज भी कट कर सकते हैं, भाग करके देखेंगे 125 पंचे 625 ही होता है, यानी x बराबर 5 आ गया, ठीक है। कैसे भी आप भाग करेंगे आएगा 5 ही। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 के साथ अति लघु उत्तरी प्रश्न भी आपके लग गए और इसका उत्तर 5 आ गया। तो मुझे आशा है आप ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ और उनको सीखते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का चित्र मैंने इधर ही बना दिया है क्योंकि साइड में बनाना ही था तो इस तरफ ले लिया ताकि इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये चित्र क्वेश्चन नंबर 12 का है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर ओ है जो कि वृत्त का केंद्र है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? जिस भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त की परिधि पर हो, यानी वृत्त की बाउंड्री पर हो, ये बना चतुर्भुज हमेशा क्या कहलाएगा? वो चक्रीय चतुर्भुज ही कहलाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखें ए और सी का तो इन दोनों का योगफल 180 होगा, इस वाले का और इस वाले का योगफल 180 होगा, ये नियम होता है, ठीक है। तो इसी इन्हीं नियमों के आधार पर हम कार्य करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है क्योंकि इसके चारों बिंदु देखिए कहाँ है? वृत्त की परिधि पर दिख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। और ए डी सी 140 है, ये वाला कोण 140 बन रहा है। ए डी सी यहाँ पर 140 बन रहा है। तो बी ए सी बताना है, बी ए सी यहाँ का बना कोण आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डी और बी विपरीत कोण है इनका योगफल, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज हम बोलेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो चक्री चतुर्भुज है तो इसका मतलब जो कोण बी होगा और कोण डी इनका योगफल 180 होगा। डी वाला 140 दिया हुआ है, डी वाला 140 दिया हुआ है तो बी वाला पता चल जाएगा, इसको आप डी की जगह 140 रखेंगे। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 में 140, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 40 डिग्री। देखिए ये और ये विपरीत कोण 180 होना चाहिए तो यहाँ पर 40 हो ही जाएगा क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब देखेंगे ये जो व्यास है ए बी, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है तो व्यास ए बी यहाँ पर कोण बना रहा है, तो व्यास हमेशा अर्धवृत्त में 90 डिग्री कोण बनाता है, ये आपको मालूम होता है। ये चीज आप ध्यान से अलग से देख लीजिए। अगर कोई व्यास है रेखा इस तरीके से केंद्र से जा रही ए बी, तो ये कहीं भी अगर इसके बिंदु यहां पर कोण बनाएंगे कहीं तो वो 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक। ये कोण हमेशा कितना बनेगा? 90। तो इसीलिए यहां जो सी पॉइंट था देखिए यहां पर 90 बनेगा क्योंकि व्यास कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये भी रूल होता है, आप इसको ध्यान रखिए। तो आप यहां पर अगला रूल ये लिख देंगे साफ साफ कि जो कोण ए सी बी है, कोण ए सी बी, ए से चलिए सी और बी, ये 90 डिग्री होगा। इसका आप रीजन दे दीजिएगा क्योंकि व्यास द्वारा बना कोण, व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण है ना, ये रूल होता है अर्धवृत्त में बना कोण। केवल अर्धवृत्त में बना कोण भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये 90 होगा। अब बताइए त्रिभुज आपको एबीसी दिख रहा है, अब आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीन कोण दिख रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। हम इनका योगफल लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ए वाला ही आपको बताना था, यहाँ वाला जिसका नाम क्या है? बी ए सी। तो हम इसको अभी x लिख लेते हैं, इसी को बताना है, प्लस b हम मान लेते हैं कि ये x है, इसी को बताना है आपको। प्लस कोण b आपका 40 हो चुका है और c वाला 90 आ चुका है बराबर 180। 9 4 13 x प्लस, ये देखिए 9 4 13 130 डिग्री बराबर ये 180। 130 उधर माइनस हो जाएगा 180 में, 180 माइनस 130 जो कि आएगा फाइनली 50 डिग्री। x का मान 50 आया, यानी ये जो कोण BAC आपसे पूछा गया था यही x था और ये 50 डिग्री आ गया,
इसका मान यहाँ पर 50 डिग्री आ गया आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे, ढंग से सीख गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा क्या गया है। नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं और इनका की बारंबारता दी गई, समांतर माध्य बताना। आपको जब भी ऐसी दो टेबल दी जाएंगी और समांतर माध्य बताना होगा तो आपको हमेशा एक तीन की टेबल बनानी होगी, हमेशा ध्यान रखिए तीन कॉलम की। दो कॉलम आपको दिए गए हैं, तीसरा आपको अपनी तरफ से लेना है। दो कॉलम जो दिए गए उसमें एक है आपका भार जिसको हम x लिख लेते हैं, एक है आपका बारंबारता, बारंबारता को हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आपको जो अपनी तरफ से काम करना है f और x का गुणा कराना है, ठीक है। ये इतना काम आपको तीन टेबल तीन कॉलम बनाने हैं टेबल में। तो चलिए पहले नोट करते हैं, ये था 40, फिर था 42, फिर था 43। देखिए पहला वाला कॉलम देखिए 40, 42, 43, 44, 45, ये नोट हो गया। इनकी बारंबारताएं सामने लिखते हैं, 4, 12, 18, 10 और 6, ठीक है। अब हम क्योंकि इनका गुणा कराएंगे अगले टेप कॉलम के हिसाब से, तो 40 और 4 का गुणा होगा तो 160 हो गया। इसका 42 का 12 से आपको गुणा करना पड़ेगा, ये गुणा आप इधर कर लेंगे तुरंत, 42 दुना 84 और 42 एकम 42, 4, 10, 5, ये देखिए 504 हो गया ये। इसका 18 का 43 से कराएंगे, 43 का 18 से गुणा कराएंगे, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 32 2 34, ठीक है। यहाँ पर 43 एकम 43, 4 7, 7 4 3 7 यहाँ हो गया, ठीक है, सॉरी 4 4 3 7 और 4 3 7, 774, ठीक है। अगला देखिए 44 का 10 से, तो ये 440 ही हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, इस तरीके से हमने गुणा करा लिया, ठीक है। ये काम आपको कर ही लेना है, गुणा आप चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस ध्यान से देखिए, कहीं कोई मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। इसके बाद जो समांतर माध्य का सूत्र होता है ऐसे केस में वो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ, इस चिन्ह को ई जैसा चिन्ह जो है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब समेशन यानी योग, योगफल, जोड़ना, किसको जोड़ना है देखिए एफ गुणे एक्स, तो एफ गुणे एक्स ये सभी आए हुए हैं देखिए इस कॉलम में, एफ गुणे एक्स ही लिखे, इनको जोड़ना है तो एफ गुणे एक्स को जोड़िए जरा, तो इसको जोड़ लीजिए 0 4 4 8, देखिए 8 हो गया। अगला देखिए 6 7 6 13 4 17, 17 7 24 के 4 हासिल लगा 2 1 3 5 8 7 15, 4 19 2 21, 2148 जोड़ के आ गया, तो इसका जोड़ा गया। और ये जो सिग्मा एफ है ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता का सम होता है, यहां पर इनको जोड़ के सिग्मा एफ मिलता है। ये पहले से बताया था 50 विद्यार्थी हैं तो आप 50 ही आएगा, आप जोड़ेंगे तब भी देखिए 12 4 16 16 16 और 16 10 26 32 38 40 और ये 10 50, ये आपका 50 ही होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, इसका मान आ गया 2148 और इसका मान आ गया 50। तो मुझे आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए ये 2148 ऊपर है और बटे 50 है, 5 गुणे 10 लिख दें हम, 5 से इसको काट दीजिए फटाफट, तो देखिए कितना आएगा 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, 1 बचा 14 हो जाएगा, 5 दुने 10, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, तो 5 9 45, फिर 3 बचेगा 5 छक्का 30, और फिर देखिए यहां से दशमलव लग गया अंत में और 10 और है तो एक एक अंक दशमलव ये और आ जाएगा, 42.96 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आराम से गुणा भाग करके देख लेंगे, जो कि आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक, इसको इससे भाग करेंगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम ये भी कर सकते थे, इसको डबल कर सकते, ऐसे कर सकते थे, देखिए एक ये भी तरीका, यहां से आपको समझ आ गया, देखिए एक ये भी तरीका कर सकते थे कैलकुलेशन का, भाई 2148 ऊपर है, 50 को हम लिख दें 100 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2148 में 2 से गुणा हो जाएगा और बटे में 100 रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 से गुणा बहुत आसान है, देखिए 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और बटे में 100 है, 100 है 2 0 है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा बस, तो 42.96, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चीज आती है और क्या आइडिया क्लिक करता है, ठीक है। चलिए तो मुझे आशा है आप इसको बहुत ढंग से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ये भी क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर 14
वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो चलिए इसके हिसाब से फिगर बनाते हैं। बोला गया वृत्त की एक जीवा की लंबाई। अब देखिए यहां से मान लेते हैं ये वृत्त की जो एक जीवा है इसकी जो लंबाई है, ये जीवा हमने बना लिया। जीवा क्या होता है? किसी भी वृत्त में परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड, ये जीवा। चाहे जहां मिला, मान लीजिए इसको यहां से मिला, दो बिंदु परिधि पर बाउंड्री पर हो इनको मिलाते हैं, इसी को जीवा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक, इसी को जीवा कहा जाता है। तो अब बोला गया है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई, हमने ये जीवा ले लिया, मान लेते हैं इसको हम ए बी नाम कर देते हैं, ये ए बी जीवा है। इसकी लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या क्या होगी? देखिए अब वृत्त में कहीं भी केंद्र से हम ऐसे मिलाएं, कहीं भी मिलाएं, ये सब त्रिज्याएं ही होती। केंद्र से परिधि पर कहीं मिलाइए, त्रिज्या होती है और सब बराबर होते हैं, ठीक है, त्रिज्याएं। तो अब अगर हम इसको यहां से मिला दें, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये त्रिज्या हो गई, इधर भी मिला है तो भी त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से, ठीक। और बोला गया त्रिज्या और जीवा बराबर है, इसका मतलब ये जितना है उतना ही ये है और उतना ही, यानी ये त्रिज्या बराबर है। हमको ये पहले बता दिया गया है प्रश्न में कि जीवा की लंबाई जो है और त्रिज्या ये बराबर है, ठीक, यानी ओ ए बराबर ए बी, तो ये तो त्रिज्याएं दोनों ही है। इस प्रकार से फिगर अभी तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बोला गया तो फिर जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि हमेशा जीवा, कोई भी जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जीवा किसी वृत्त को दो पार्ट में बांट रही है, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। बड़े हिस्से को कहा जाता है दीर्घ वृत्त खंड, ध्यान रखिए दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। और ये वाला है लघु वृत्त खंड, यानी माइनर सेगमेंट, लघु वृत्त खंड। तो आपको बोला गया लघु वृत्त खंड में बना कोण, इसका मतलब कि इस तरीके से यहां कहीं जो ये कोण बनेगा, ये इस तरीके से कहीं कोण बनेगा, ये निकालना, ये लघु वृत्त खंड का कोण, ऐसा कुछ बोला गया। लघु वृत्त खंड पर आंतरित कोण, इस तरीके से आपको कोण का मान बताना है। तो चलिए अब देखते हैं इसको और समझते हैं। यहां से हम इसको कहीं भी एक कोण बना लेते हैं जो हमें लघु वृत्त खंड में बनाना है और यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं चलिए सी, ठीक है। अब आपको कोण ए सी बी ज्ञात करना है। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो आप ये सोचिए तीनों, ये जो त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज ओ ए बी, एक कैसा त्रिभुज होगा? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो त्रिभुज इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वो क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है ना। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, जो कि 60-60 डिग्री होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यानी यहां पर जो बनेगा वो भी 60, यहां जो बनेगा वो भी 60 और यहां जो बनेगा वो भी 60, ये बात भी तय है। यानी कि जो कोण ए ओ बी बन रहा है, ए ओ बी, ये 60 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है, मैंने ये बताया है कि इस तरीके से जब भी प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी प्रश्न आते हैं इसके द्वारा इधर कहीं अगर कोण बनेगा तो हमेशा इधर बने कोण का आधा होगा, है ना। तो अब इस तरफ बना कोण निकालना होगा हमको कैसे भी। तो ये क्योंकि इधर का 60 है और पूरा होता है 360, तो ये 60 है तो ऊपर बचा 300, और इस 300 का ही ये वाला आधा होगा, यानी 150 आंसर हो जाएगा। यही करना है, लेकिन इसको बस समझना है और लिखना है। अब देखिए 150 आंसर होगा इसका लघु वृत्त खंड का। कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो ऊपर वृहत कोण बन रहा है ना, ये तो है AOB। अगर सिंपल लिखा है कोण AOB, AOB तो ये केंद्र वाला नीचे का कोण होगा। अगर हम ऐसे बोलें वृहत कोण AOB, है ना, वृहत कोण AOB जब भी निकालना होता है तो उसको 360 से इस वाले कोण को माइनस करेंगे तो जो कि आएगा 300 डिग्री, यानी इधर वाला कोण आ गया 300 डिग्री। और अब हमें मालूम है कि ये जो कोण हमें लघु वृत्त खंड वाला बताना था ACB, कोण ACB ये बराबर होगा, आधा होगा, किसके आधे के? यही जो वृहत कोण आया है, ये जो वृहत कोण कौन सा आया है? AOB, वृहत कोण AOB इसका नाम था, वृहत कोण AOB। तो हम यहां पर लिखेंगे वृहत कोण AOB इसका आधा होगा, और वो आया है 300 डिग्री, जो कि कट करके दो से आधा होकर के 150 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। यानी लघु वृत्तखंड में बना कोण आपका 150 होगा। अगर ये त्रिज्यखंड में पूछा गया होता तो 60 ही होता, अगर केंद्र पर बना कोण पूछा होता तो ही 60 होता उत्तर, लेकिन यहां 150 होगा, ठीक है।
अब इस तरीके से आपको समझ में चीजें आ रही होंगी और अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये पूछता दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, तो इसको यहां से, ये तो लग गया है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां से इसको ऊपर मिलाते कहीं यहां जो कोण बन रहा है ये निकालना होता, तो वो हमेशा इस वाले कोण का आधा होता है, ठीक, आप सभी जानते हैं। तो ये सब अपने तरीके हैं, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल करना है, दो पार्ट है इसमें, सरल जो करना है उसमें बोला गया है दो पर माइनस दो पावर में, फिर माइनस करली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट लगा है माइनस दो, इस पर है माइनस का तीन, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है दो पर माइनस दो, फिर माइनस तीन पर पावर माइनस दो, ब्रैकेट क्लोज है, और यहां पर करली ब्रैकेट भी लगा होगा जो कि आप लगा दीजिए इसे। ये आपका प्रश्न है, इसको आपको सरल करना है। तो देखिए, आपको मैंने बताया कभी भी संख्या, किसी भी संख्या पर माइनस में पावर हो, यानी मान लीजिए ए पर माइनस है मैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बटे में, जैसे लिखेंगे वो प्लस हो जाएगा। तो अगर ये दो पर माइनस दो एक बटे में लिखेंगे तो दो पर प्लस दो हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे दो दुनी चार यानी एक बटे चार बोल सकते हैं, आराम से इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर क्या क्या होगा। इसको हम बोल सकते हैं एक बटे चार, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और एक बटे दो की घात दो को चार कर सकते हैं। चलिए अगली बार में कर लेंगे, अभी नोट कर लेते हैं। ये माइनस ऐसे रहने दीजिए, ये दो पर माइनस तीन अगर एक बटे में लिखा जाएगा तो दो पर प्लस तीन हो जाएगा, वही रूल जो भी मैंने बताया। फिर माइनस इस ब्रैकेट यहां पे भी देखिए, इसको भी एक बटे में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको भी एक बटे में लिखेंगे तीन पर माइनस दो है तो ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे आशा है इतना तो आप समझ ही गए। अब देखिए, इसको कह सकते एक बटे चार माइनस, यहां भी माइनस, एक बटे दो गुणे दो गुणे दो तीन बार होगा तो दो दुनी चार दुनी आठ हो जाएगा। भाई दो की घात तीन का मतलब क्या है, दो गुणे दो गुणे दो, दो दुनी चार दुनी आठ, यही तो होगा। फिर माइनस यहां से देखिए, इसको बोल सकते एक बटे चार, दो दुनी चार माइनस ये एक बटे तीन, तेई नौ हो जाएगा, एक बटे नौ, तीन का वर्ग तीन तेई नौ होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद अगला, अब तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो इजी हो गया। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, आप एलसीएम लीजिए, इसको इससे कर दीजिए नौ माइनस बीच में है, फिर चार को इससे कर दीजिए, चार एकम चार, नौ एकम नौ, चार एकम चार, और नीचे नौ चौक छत्तीस, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा है आप ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। अब ये एक बटे चार माइनस माइनस का एक बटे आठ, फिर ये माइनस, इन नौ में से चार गया कितना है पांच, पांच बटे छत्तीस, ये सरल हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले आपको कहीं पर ब्रैकेट हो तो पहले ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला करते हैं, और फिर ये वाला करते हैं, ये तरीका होता है, इसी क्रम में ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास लाइन ब्रैकेट था ही नहीं, यानी बार ब्रैकेट था ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये था पहले, हमने ये सॉल्व किया, अब हम ये सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ये भी नहीं है तो उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्रम आपको सब पता होने चाहिए, जो कि बॉडमॉस रूल होता है। जिनको ना मालूम हो, तो बॉडमॉस यूपी टेट की मैथमेटिक्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर पढ़ाया है, वहां पर ये चीजें समझाई हैं, ठीक है, आप सीख सकते हैं। एक बटे चार माइनस, यहां देखिए अब ये 36 है, ये 8 है, इन दोनों का लासा 72 आएगा, 36 दुना 72 और 8 नवा 72, जब तक हर बराबर नहीं होगा जोड़ सकते नहीं भिन्नों को, तो इसको 72 करने के लिए 9 से गुणा करेंगे और इसको 72 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। बाकी चीजें ऐसे लिखिए, 9 एक कम 9, और ये तो हो गया 72 माइनस 5 दुनी 10, और ये हो गया 72, ठीक है। यहां तक तो मुझे आशा है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। एक बटे चार माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन दो माइनस की संख्या जब जुड़ती है तो माइनस में ही आंसर आता है, प्लस तो हो जाएगा, दस नौ उन्नीस हो जाएगा, और बहत्तर क्योंकि हर बराबर हर को जोड़ते नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक बटे चार माइनस माइनस प्लस, और ये 19 बटा बहत्तर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चार को जब तक बहत्तर नहीं बनाएंगे, हर बराबर नहीं होगा तब तक ये जुड़ेगा नहीं, तो चार को बहत्तर बनाने के लिए 18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 चौके बहत्तर होता है। अब आप देखिए यहां पर हो गया 18 एकम 18 प्लस ये वाला 19 और बटे का बहत्तर, इसी को यहां आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा,
अट्ठारह अट्ठारह छत्तीस, एक सैंतीस हो जाएगा, ठीक है, 37/72 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 37/72 आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर का आपका प्रश्न था, बहुत ही आसान था, लेकिन बस प्लस माइनस का ध्यान देना, कहीं पर गलती ना होने पाए, कोई मिस्टेक हो जाएगी तो जरूर गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई प्लस माइनस मिस्टेक हो गई या गलत तरीके से लिख गया तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, तो ध्यान रखें चीज़ों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, हम लोगों को इतना समझाना होता है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, ऐसा होता है, अक्सर नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। 2^5 × 16/-2 / में, यानी भाग का चिन्ह है 2/-3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2/5, अभी ऐसे रहने दीजिए, सबसे पहले भाग किया जाता है, इसको आप लिख सकते हैं 1/16/2, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा तरीका ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका ही है, कोई टफ नहीं है, और बाकी घातों के नियम को भी लगा सकते हैं, तो हम अभी ऐसे कर लेते हैं। यहां पर देखिए, इसको 1/2 / 3 बोल सकते हैं, प्लस में हो जाएगा, अब ये 2/5 ऐसे रहने दीजिए, 1/16/2 का मतलब क्या हुआ, 16 × 16 बोलते हैं हम इसको अभी के लिए, और भाग जब भी होता है गुणा करते हैं और भिन्न को पलट देते हैं। देखिए 1/2/3 का मतलब हुआ 1/8, 2/3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 8, 1/8 को पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा, यानी इस चीज को हम देखें 1/2/3 को कह सकते हैं 1/8, और इसको जब हम पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा, क्योंकि भाग कैसे सॉल्व किया था, भाग की जगह गुणा लगाते हैं और अगली भिन्न को पलट देते हैं, यही रूल होता है, तो इस तरीके से हो गया। आप देखिए, अब आप देख रहे हैं कि 8 से अगर काटना चाहे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ये कटा, ठीक है, ये 2/5 को हम 32, 2 × 2 = 4, भाई 2/5 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, देखिए यही तो आप लिखेंगे 5 बार, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ही तो आएगा, तो इसको 32 लिख सकते हैं, और ये देखिए 1/16 × 32 ये भी है, और सब कट चुका है, 32 से 32 कट जाएगा पूरा, सिर्फ एक उत्तर आ जाएगा इसका, इस प्रश्न का आंसर एक आ गया, ठीक, क्योंकि सब कट गया। तो मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझ रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसे किए जा रहे हैं और इसमें क्या ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपये है, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में भी दर दी है 8%, लेकिन घट रहा है और मूल्य उसका दे रखा है, यानी कि जो उसका मूलधन रहा होगा वो दे रखा है। देखिए ऐसा होता है, इसमें भी सूत्र आपका यही लगता है, a = p(1+r/100)n, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, और अगर घट रहा है, कहीं पर अवमूल्यन हो रहा है, वर्ड आए देखिए कहीं पर घटे या फिर लिखा हो अवमूल्यन, तो यहां तो साफ साफ लिखा है कि प्रतिवर्ष 8% घटता है, अवमूल्यन का मतलब भी होगा घटना, है ना, माइनस होना, तो यहां पर प्लस की जगह सूत्र में माइनस लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, अब बाकी सब वही रहेगा। यहां पर जो पी है वो पहले का मान है, किसी भी वस्तु का, टेलीविजन, स्कूटर, बाइक, कार, कुछ भी हो, किसी भी वस्तु का पहले मूल्य, या जनसंख्या हो किसी गांव की, है ना, कुछ भी हो ऐसा, तो जो पहले संख्या रही होगी उसको पी के स्थान पर रखेंगे और जो बाद में संख्या होगी उसको ए के स्थान पर रखेंगे, इतना अंतर आप याद रखिए बस, और सब वैसे ही। तो देखिए बोला गया है कि जनसंख्या पहले एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना है, सामान्य रूप से 15,625 का टेलीविजन है, उसका मूल्य प्रतिवर्ष इतना घटता है, तो 3 वर्ष बाद, देखिए बाद वाला मान आपको बताना है कितनी गिरावट आएगी, ठीक, तो 3 वर्ष बाद का आपको पता करना है और गिरावट पता करना है, तो ये बाद वाला हमेशा इसमें देखिए, ये जो ए होता है ये बाद वाला मान होता है और ये जो पी होता है ये पहले वाला होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले का मान। तो अब हम पी की जगह 15,625 रख देंगे, जो कि दिया हुआ है यहां पर, पहले सेट का मूल्य ये है तो पी की जगह ये रख देंगे, दर देखिए 8% है, आर की जगह पर ये 1- इसलिए लगा है क्योंकि घट रहा है, यहां 8 रखेंगे, 8/100, और 3 वर्ष बाद निकालना तो एन की जगह 3 रख दिया जाएगा, आप सभी इस चीज को जानते हैं। अब देखिए आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य पता चल जाएगा, तो देखते हैं 8 को 4 से काटे, 4 × 2 = 8, और यहां पर 25, तो 25 हो जाएगा, 2500, 4 से काटेंगे तो 2500 = 100 होता है, 4 से ऊपर नीचे काट दिया, 25 × 25 − 2 यानी 23, 23/25, और यहां क्या है घात में 3। अब देखिए 15,625 × ये घात 3 का मतलब हम इसको 3 बार ऐसे गुणे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
अब 25 गुणे 25 625 होता है, और फिर उसको 25 से गुणा करेंगे तो यही 15625 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 25 गुणे 25 625, और 625 को 25 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये पूरा काट दिया मैंने, केवल और केवल आपके पास 23 गुणे 23 गुणे 23 बचा, बस यही आपका ए आएगा। आप देखिए 23 को 23 से गुणा कर लीजिए ऐसे, 3 3 9, 3 2 6, और ये 2 3 6, 2 3 4, 9 6 6 12 5, कितना आया 529। 529 को फिर से 23 से गुणा कर लीजिए 3 9 27 के साथ, 2 3 2 6 2 8, 3 5 15, 2 9 18 के 8, 2 2 4 1 5, 2 5 10, कितना आया 7 8 8 16, 7 8 8 16, 5 5 10 11, 1 1 2, और 1 12,167। 12,167 रुपए 3 साल बाद उस टेलीविजन की कीमत रह जाएगी, क्योंकि कीमत घट रही थी इसलिए इतनी कीमत रह जाएगी। ये अगर पूछा होता कि कितनी कीमत रह जाएगी तो उत्तर यही हो जाता, लेकिन क्योंकि पूछा कि गिरावट क्या हुई है यानी कितना घटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले था मूल्य 15,625, उसमें से 12,167 का भी रह गया, माइनस कर देंगे तो गिरावट आ जाएगी। हमें ये बताना है कि गिरावट क्या है, अगर हमें गिरावट पूछना तो ये बता सकते नहीं, यही उत्तर। अब इसमें लैंग्वेज का हेर फेर हो सकता है, तो आप इसलिए अलग से ये भी बोल दीजिए और गिरावट भी। तो 15 15 में से 7 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर 3 3,458 रुपये की गिरावट। इसको माइनस करके देख लीजिएगा आप, यही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो गया, तो पहले जितने का था अब इतने का रह गया। मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझ गए होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे, और एक एक चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ाया गया। जिनको अभी भी समस्या हो वो चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स पढ़ाया गया है। ये इससे भी अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे कराए गए हैं, तो वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े, मान लीजिए कोई ऐसे घनाभ है लोहे का, और उस घनाभ के टुकड़े से क्या किया गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, यानी कि इस घनाभ की लंबाई लंबाई दिया गया जिसको हम L से लिख सकते हैं, इसी घनाभ की चौड़ाई दिया गया जिसको हम B से लिख सकते हैं, इसी घनाभ की ऊंचाई भी दिया गया जिसको H से लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है, 75 15 और 5, 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और एक चीज 5 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की दी गई है प्रारंभ में। फिर बोला गया है इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके काटे जा सकते हैं। मान लीजिए इसमें से हम छोटे छोटे ऐसे गुटके काट रहे हैं तो कितने काटे जा सकते हैं। अगर हमें पूरा क्षेत्र पूरा आयतन मालूम हो और एक गुटके से भाग कर दें, एक गुटके का आयतन मालूम हो तो भाग कर देंगे तो कितने गुटके हैं पता चल जाएगा। सामान्य सी बात है भाई, कोई चीज 20 है, 20 में 4 4 के कितने समूह बनेंगे, तो 4 से भाग कर देंगे पता चलेगा, ऐसे 5 सेट बनेंगे, 5 समूह बनेंगे। तो टोटल मालूम हो, छोटा वाला मालूम हो, भाग कर दीजिए, कुल संख्या आ जाती है, हमेशा ये रूल होता है। तो अब देखिए हमें जो छोटे गुटके के लिए, हम पहले लिख लेते हैं कि गुटके की लंबाई, भाई गुटके की लंबाई भी हम लिख लेते हैं, चौड़ाई भी लिख लेते हैं गुटके की, नोट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। बाकी तो प्रश्न अब आप कर ही चुके होंगे, अब समझ में आपको आ गया। लंबाई गुटके के लिए जो है वो बोला 15 3 और 1, 15 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में तो कुछ बदलना है नहीं, अगर कुछ मीटर वीटर में होता तो उसको चेंज करना पड़ता, या तो सब मीटर में या तो सभी सेंटीमीटर में। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक। तो एक बार चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या सब कुछ ऐसा है, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी था, ये भी था, ठीक है। फिर 15 3 और 1, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गुटकों की संख्या बतानी है, गुटकों की संख्या, तो ऊपर वाला आयतन इसका मतलब घनाभ का आयतन, इसमें क्या करना है, जो बड़ा सा घनाभ था उसका आयतन ऊपर ले लेना है, और नीचे एक गुटके का आयतन ले लेना, बस। तो अब आप बताइए ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन, इसकी लंबाई है 75, लंबाई गुणे चौड़ाई है 15 और ऊंचाई है 5। फिर गुटके में भी, क्योंकि है तो गुटका घनाभ का ही, तो ये भी घनाभ है, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। बस देखिए 15 से 15 कट जाएगा, 3 से 25 25 बार में ये कट जाएगा, है ना,
तीन से 25 या 75। अब आपका केवल इतना बचा 25 गुणे 5 जो कि होता 25 पंचे 125, इसका मतलब 125 ऐसे गुटके बन जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 125 गुटके बनेंगे। तो मुझे आशा है आप इसको भी बहुत ढंग से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए फ्रेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 15x^4 + 3x^2 - 18। देखिए ये चीज़ आपको भ्रमित करने के लिए इस तरीके से दिया गया है, क्योंकि ये आप देखिए ध्यान दीजिए हमेशा इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ x होता है, फिर नंबर होता है। अगर यहाँ पर x^4 करेंगे, दो घात बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी दो घात लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। अब देखिए वही तो बात है जो ये था, ऐसा ही रूप है, तो बस यहाँ पर घात 4 है तो यहाँ घात 2 है, चीजें वही है, बस समझना है, थोड़ा सा घुमावदार किया गया है इसको बस। मतलब हम चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक, और इसको 3x² आई है ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप देखिए बहुत ही आसानी से, पहले तो देखिए तीन सब जगह कॉमन है, तो तीनों पक्षी 15 यहां से बचेगा, 5x^4 + यहां से 3 हट जाएगा तो 1x² और यहां से 18। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से जैसे बीच वाले पद को स्प्लिट करते हैं, पहला तो काम आपका ये है कि इसमें से आप इस 5 को यहाँ, सॉरी यहाँ से 3 जब कॉमन लिया था तो 3 × 6 = 18, यहाँ 6 बचा था, ठीक है भाई, 3 × 5 = 15, 3 यहाँ से हटा और यहाँ 3 × 6 = 18, ठीक है। अब इसमें बीच वाले पद को स्प्लिट कराएंगे, बीच वाले पद में यहाँ देखिए कुछ भी नहीं लिखा है इस वक्त, तो मतलब यहाँ पर 1 मानेंगे, भाई वैसे भी 3 बाहर गया था तो 3 × 1 = 3। अब इसी 1 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे, जिसको जोड़े या घटाएं तो एक ही आए, लेकिन गुणा करें तो कितना है, 6 × 5 = 30 ही आए। तो आप देख रहे हैं साफ साफ 6 - 5 ही ये हो जाएगा, यहां पर घात में 4 है, यहां पर हम लिख सकते हैं 6 - 5, देखिए 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा और 6 × 5 = 30 भी आएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न था, बस समझना है आपको। अब देखिए 5x^4 ये हो गया, प्लस 6x² हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 5x² - 6, ठीक है, 3 गुणे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या है, संख्याओं में तो कोई कॉमन नहीं, लेकिन x यहाँ 4 बार, x यहाँ 2 बार, तो x 2 बार कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से बचेगा 5x^2, क्योंकि 4 था, 2 निकल गया, 2 बचा, यहां से ये 2 पूरा निकल गया तो केवल 6 बचा। इसी प्रकार इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, देखिए संख्याओं में भी नहीं, एक्स में भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में 1 को कॉमन करेंगे, और जब माइनस बाहर होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, जब भी माइनस बाहर आता है तो अंदर वाला ये चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में समान चीजें आई हैं, ये 3 ही है, और इस ब्रैकेट वाली चीज को हम एक बार बाहर करके लिखेंगे ऐसे, और ये जो ब्रैकेट के बाहर चीजें हैं इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तक तो आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अब देखिए बस केवल हम चाहे तो यहीं छोड़ दें, और या फिर हम इसको 5x² + 6, यहाँ देखिए इसको हम बोल सकते हैं a² - b², क्योंकि x² - 1 का स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं, तो ये a² - b² के रूप का है, तो इसको हम बोल सकते हैं a + b और a - b। हम यहाँ भी छोड़ते तो वो सही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जहां तक गुणनखंड हो रहा हो कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, ये फाइनली उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कई जगहों पर ये पहले लिखा होगा, ये बाद में, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें एक ही, क्योंकि सब गुणे में हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से 2020 का प्रश्न पत्र भी बहुत ही डिटेल में ढंग से आपको समझाया जा चुका है। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं तो आप सब सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि और बेहतर कार्य आपको किया जा सके आपके साथ, और आपका स्टडी के लिए बेहतर से बेहतर विकल्प बनाए जा सके, और एग्जाम आप सबका बहुत अच्छा हो, आप सब अच्छे मार्क्स से फुल मार्क्स लेकर के आए, आगे सफलता प्राप्त करें। और टेट की क्लासेस जारी हैं, यूपी टेट की मैथमेटिक्स के का आधे से ज़्यादा कोर्स मैं करा चुका हूँ, आप सब उसको भी ज्वाइन करिए, सीखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।